जही गावही श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री सामान्य बात है ना। बोले ने दीन पर विशेष दया कर रहे हैं, एक कृपालु तो सामान्य और दीन दयालु विशेष, और उसमें भी कौशल्या का तो विशेष हित करने के लिए उसके पेट से प्रकट हुए हो। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, माता आनंद में मग्न हो रही है, उनके मुनि मनहारी अद्भुत रूप को निहार करके। कहीं बालक ऐसा होता है लोचन अभिरामा, अरे आंख तो बच्चे की बंद होती है और यहाँ तो बड़ी सुंदर आंखें हैं, हैं और सांवरा शरीर है वर्षा कालीन मेघ के समान रसीला, और निज आयुध भुजचारी, अपने चारों हाथ में अपने आयुध लिए हुए हैं। ऐसा तो वो उस अवतार में लोग अर्थ करते हैं जो नारायण का विष्णु का अवतार हुआ है, और नहीं तो अवध वाले जो द्विभुज पक्ष वाले हैं ना वो अलग ही कर देते हैं वो, कि निज आयुध माने धनुष बाण बोला, और भुजचारी माने भुजा में उसको धारण करके और हाथ ही को चला रहे हैं, बाण पर हाथ को फिरा रहे हैं। निज आयुध भुज, निज आयुध भुज, अपना आयुध जो है धनुष बाण वो तो भुजा में है, और चारी, चारी माने चुपचाप खड़े नहीं है, थोड़ा चलते फिरते भी हैं। ये नहीं समझना कि वो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हैं। ये द्विभुज पक्ष और चतुर्भुज पक्ष दो पक्ष अयोध्या में है, तो जो रामानुज संप्रदाय से प्रभावित हैं वो तो चतुर्भुज पक्ष को मानते हैं, और जो महाराज बड़े मधुर उपासक हैं कब वो कहते हैं कि हमारे राम के तो दो ही हाथ है बाबा, और यही सर्वम रूप है। भूखन बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी,
अपने भूषण, भला बच्चा कहीं पेट में से माँ के निकलता है तो आभूषण पहनता है, वनमाला है, विशाल नेत्र हैं और शोभा के समुद्र हैं, यही खरारी हैं भगवान। भय प्रगट कृपाला, कृपालु भगवान प्रगट है। सतरूपा मनु के प्रसंग में भगवान का नाम कृपालु ही दिया हुआ है। हो दंपति उधर भगत कृपाला, बड़े कृपालु हैं। और ब्रह्मा जी की स्तुति में भगवान का नाम दीन दयाला, जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहुसो श्री भगवान। और कौशल्या जी के तो विशेष सो प्रभु प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, कौशल्या के प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। यहाँ हित शब्द का अर्थ प्रेम है, कौशल्या के हित माने प्रेम को बढ़ाने वाले हैं। और बढ़े और बढ़े प्रेम, क्योंकि चितवई सादर रूपा रूपा तृप्ति माने मनुष्य रूपा, उनको दर्शन में तृप्ति नहीं होती थी तो प्रेम बढ़ाया उनका। अब माता कौशल्या जो हैं वो हर्षित हो गईं भगवान के मुनि मनहारी अद्भुत रूप को देख करके। कितना सुंदर रूप है उसका वर्णन करते हैं कि लोचन जो है वो रम गए उसमें, लोचन अभिरामा, अपनी आंखों के लिए कौशल्या जी की जो आंखें हैं वो रम गई, चार सब और देखना छोड़ करके उसी रूप में रम गई, ऐसा रूप है। और ये रूप दशरथ जी को भी नहीं दिखाया ना, ऐसा रूप ये तो कौशल्या जी देख रही हैं। दशरथ जी को तो बालक रूप शिशु रूप देखने को मिलेगा, ये रूप देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्योंकि कौशल्या जी को तो विवेक भी रहना है और दशरथ जी को तो स्नेह ही स्नेह रहना है। श्री कृष्ण प्रकट हुए तो वसुदेव और देवकी दोनों ने उनके चतुर्भुज रूप को देखा, लेकिन यहाँ केवल कौशल्या ने ही श्री रामचंद्र के चतुर्भुज रूप को देखा। शरीर कैसा है, वर्षा कालीन मेघ के समान बड़ा रसीला सांवरा, सांवरा सलोना जिसको बोलते हैं। देखते देखते आंखों में भी पानी, प्रेम का आंसू, आनंद का आंसू आने लग जाए। हो और निज आयुध भुज चारी, और अपने जो आयुध हैं, ये रामचरितमानस में धनुष बाण को निज आयुध बोलते हैं, ये रामचंद्र के निज आयुध हैं। देखो विभीषण के प्रसंग में आया है, निज आयुध अंकित गृह शोभा वर्णन जाए, तो वहाँ निज आयुध क्या है, निज आयुध धनुष बाण ही है भगवान का हो। और भुजा को स्थिर नहीं रखे हुए हैं, चलाए रहे हैं, और वनमाला का आभूषण पहने हुए हैं, बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं और शोभा के समुद्र हैं। और ये महाराज खरारी हैं, ये कोमल के प्रेमी हैं। भगवान का स्वभाव बड़ा कोमल है और कोमल से ही प्रेम करते हैं। और खरा है ना, जो बहुत खर होता है, कर्कश होता है, उसके तो ये दुश्मन नहीं है, कर्कशता को सहन नहीं करते हैं, कोमलता इनको प्यारी है। और खर नामक शत्रु के खल के खल के और खर के शत्रु हैं। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति की, माने आपकी आज्ञा के अनुसार मैं काम करूंगी। दोनों हाथ जोड़ना माने आज्ञाकारी होना हो। सो आप तो अनंत हैं, आपकी स्तुति मैं कैसे करूं, एक अर्थ तो ये है। और दूसरे अनंता जहाँ है ना, आपकी स्तुति अनंत है, मैं भला एक जीभ से एक मुंह से कैसे करूं। जहाँ सहस्र मुख सहस्र जिह्वा, दो सहस्र जिह्वा, कव्वे शेष नाग भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते, सहस्र नेत्र से इंद्र भी आपको नहीं देख सकते, सहस्र सहस्र हाथ से सहस्र अर्जुन भी आपकी पूजा नहीं कर सकता, वहाँ मैं भला एक जीव से आपकी क्या स्तुति करूं, आप तो अनंत हैं। माया गुण ज्ञानातीत, ये जो माया है कारण रूपा, और ये गुण जो है करण रूप, और ये जो विषय ज्ञान है वृत्ति ज्ञान है, इनसे आप अतीत हैं। ज्ञान माने विषय ज्ञान, गुण माने अंतःकरण, और माया माने कारण वस्तु। और आपका कहीं मान नहीं है, देश मान काल मान वस्तु मान से अतीत हैं। और वेद पुराण इशारे से आपका वर्णन करते हैं, अथवा अमान के रूप में वेद पुराण आपका वर्णन करते हैं। आप करुणा और सुख के समुद्र हैं, संपूर्ण गुणों के आधार अधिष्ठान हैं, आगार माने भवन हैं।
और श्रुति संत आपका ही गान करते हैं अथवा गुण आगर के रूप में श्रुति संत आपका गान करते हैं। इसका अर्थ है तो आप निर्गुण, लेकिन श्रुति संत लोगों के मन को आप में लगाने के लिए गुणागार के रूप में आपका वर्णन करते हैं। वही आप मेरे प्रेम के लिए, मेरे प्रेम के बस होकर के, क्योंकि आप भक्तों के अनुरागी हैं, स्वयं श्रीकंत भगवान प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उरसो वासी यह उपहासी, सुनत न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुकाना, तब बहुत विधि की न चहे, कही कथा सुहाई महत बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माया से निर्मित ये जो ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मांड है, वेद कहता है कि भगवान जस्य समंततः रोमकूपेशु अनंतानि ब्रह्मांडानि प्रज्वलन्ति, एक एक रोए के गड्ढे में कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनके निवास करते हैं, ऐसा महानारायण उपनिषद कहती है। मेरे हृदय में उन्होंने ही निवास किया, एक हंसी की बात है, सुन करके बड़े बड़े जो धीर पुरुष हैं उनकी भी मति डावाडोल हो जाए इस बात को न माने कि कोटि ब्रह्मांडों के निवास स्थान, कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनके एक एक रोम कूप में, कौन भला नन्ही सी कौशल्या के नन्हे से पेट में कैसे समाएंगे, कौन विश्वास करेगा इस बात पर। अब जब ये ज्ञान हुआ महाराज, विवेक का उदय हो गया, माने भगवान का जन्म नहीं है, उनका कोई आधार नहीं है, उनके सिवाय दूसरा कोई है नहीं, ये बात जब कौशल्या के मन में आई तब प्रभु को हंसी आ गई, मुस्करा गए भगवान। अब भगवान मुस्करा जाए तो समझो कि माया फैला दी हो उन्होंने। अब तो हास हासो जनोन्माद करी तो माया, पागलों मन भक्तों को पागल बनाने वाली भगवान की हंसी है, क्योंकि भगवान तरह तरह के चरित्र करना चाहते हैं। अब सारी जो पूर्व की कथा थी, इन लोगों ने कैसे मनु और शत्रुपा होकर के तपस्या की है, अथवा कैसे अदिति कश्यप रहे हैं, सारी पूर्व की जो कथा है, रावण के जन्म पूर्व जन्म का जो प्रसंग है, नारद जी आदि के जो साप हैं, वो सब समझा दिया और बोले कि हमको बहुत चरित्र करना है। जैसे कि माता को समझाया कि उसको पुत्र स्नेह की प्राप्ति होए, और माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन खाना, वही बालक सुर भूपा, यह चरित जगा वही हरि पद पावही, तेन पर ही भव कूपा। माता फिर से बोली, क्योंकि उसकी जो ये बुद्धि थी ना, पहले उसने वरदान मांगा था कि हमको विवेक बना रहे, तो वो मति जो शत्रुपा के जन्म में थी कि हम हर समय ईश्वर बुद्धि हमारी ब्रह्म बुद्धि बनी रहे, तो उससे तो बाल लीला का सुख ही नहीं मिलेगा, इसलिए वो बुद्धि बदल गई। श्याम सुंदर को देख करके, रामचंद्र भगवान को देख करके बोले, कौन ब्रह्म का चिंतन करे, है ना, हमारी आंखों के सामने तुम रहोगे, तो अब ये चतुर्भुज रूप छोड़ो और शिशु लीला कीजिए जो बहुत ही प्यारी होती है, ये सुख अनुपम परम सुख है। ब्रह्मानंद का सुख तो योगियों को ज्ञानियों को मिलता ही है, और उस ब्रह्म को जो सबका कारण है और परम कारण है, विवर्ती अभिनिवृत्तोपाधान कारण है, उसको बच्चा बना करके अपनी गोद में खिलाना, ये तो अनुपम सुख है, क्योंकि उसके सिवाय दूसरी कोई चीज है नहीं, तो बच्चा कौन है नारायण। अब ये बात सुन करके तो महाराज को जवाब नहीं दिया, तुरंत ही बालक बन करके रोदन ठान लिया, ठान लिया का अर्थ है अड़ गए, बस रोते ही रोते जाएं, है ना, चुप हो ही नहीं। जो सुध देवताओं के मालिक हैं वे बालक हो गए। इस चरित्र को जो गाते हैं उन्हें भगवत पद की प्राप्ति होती है, क्यों, कब वो राम के प्रेमी बन जाएंगे ना, राम के उपासक बन जाएंगे, राम का ध्यान करेंगे तो उन्हें हरि पद की प्राप्ति होगी और ये संसार के कुएं में नहीं पड़ेंगे। तो ये जो भगवान का अवतार है वो विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, देवता के लिए और संत के लिए भगवान ने ये मनुष्य अवतार ग्रहण किया है।
और ये शरीर उनका पंचभूत का बना हुआ नहीं है, निज इच्छित इच्छा निर्मित तनु अपने संकल्प से ही ये चिन्मय रूप उन्होंने धारण किया है। उनका ये रूप भी माया गुण गोपार, माया माने कारण और ये गुण माने अंतकरण और विषय और इंद्रियां, इनसे परे है बिल्कुल उनका स्वरूप।